बस सील हुई है, सील हुई है, फिर सील होने के बाद कैसे खुल गई ये समझ नहीं आ रही। सारे जो इन्वेस्टर जिस ब्याह का मालिक है उसका नाम है आमिर बाबा, वो जो बिल्डर उसका नाम है डॉक्टर फवाद, उसके साथ जो ठेकेदार उसका नाम है आसिफ, ये तमाम लोग अभी मौजूद नहीं, सारे भागे हुए। अस्सलाम वालेकुम। कराची में आज एक बड़ा हादसा रोनुमा हुआ और हम सबको पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए कि कीमती जानों का नुकसान नहीं हुआ। इस वक्त हम आपके सामने ये मनाजिर दिखा रहे हैं मूसा कॉलोनी के मेन रोड की बिल्डिंग के, जिस पर ग्राउंड प्लस 3 की इजाज़त मिली थी, मगर बिल्डर ने टावर खड़े करने की कोशिश करी, वो भी 120 गज पर, और किस तरह का मटेरियल यूज़ हुआ कि 6 से 8 माह में मलबे का ढेर बन गया, और इसकी क्या वजूहात हैं यकीनन ये तो इंजीनियर ही डिसाइड करेंगे। इस बिल्डिंग ने 7-2 और बिल्डिंगों को जद में लिया, यहाँ रिहायशियों से बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा गमगीन है। तकरीबन 1.5 बजे के दरमियान जो है बिल्डिंग में झटके आ रहे थे पिलरों के अंदर ना, तो दरारें आ गई थी पिलरों के ऊपर, तो नीचे भी लड़के दुकान के नीचे बैठे थे, तो शीशे टूटना शुरू हो गए, दीवारें झड़ना शुरू हो गई थी, सरिये नज़र आना शुरू हो गए थे। तो मैं फॉरेंसिक ऊपर गया, सारे फ्लोर वालों को मैंने सबको उठाया, दरवाजे बजाए, सबको नीचे उतारा, सारे बच्चों को जैसे जिस हाल में थे उनको नींद से उनको उठाया, और सबको नीचे उतारने के बाद हमने सारे फ्लोर में ताले लगा दिए और मेन गेट के ऊपर ताला लगा दिया। उसके बाद हमने सबको निकाल के हम फजर तक यहाँ पे बैठे इंतजार करते रहे कि हम लोग बिल्डर से रब्ता करें। बिल्डर हमसे रब्ता करके मैं बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पानी की निकासी की वजह से ये कल सारे मामला सेट हो जाएंगे। तो आप तो मुझे कहा, तो मैंने बोला भाई आप खुद आके रिहाइश करो, हम कोई रिहाइश नहीं करें, हम जा रहे हैं तो छोड़ के आप हमारे जो मसला हल कर दे। बोले कुछ भी नहीं हुआ, आप मेरी बिल्डिंग को बदनाम ना करो। कितने अरसे पुराना प्रोजेक्ट था भाई? ये सर ये 6 महीना चल रहा है, ये 6 महीने हो गए। मैंने 6 महीने पुरानी बिल्डिंग दी है। ये 6 महीने कभी मजीद काम चल रहा था इसके ऊपर, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। जी 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 जी। अच्छा, और ये न्यू बिल्डिंग है बिल्कुल। और ये पूरी एक ही इमारत है या दूसरी है? दो इमारतें गिरी हैं। ये एक इमारत ये गिरी, इसके साथ 2 इमारतें और गिरी थी, तीसरी इमारत ही गिरी आपके सामने नजर आ रही है, तीसरी इमारत है, इसकी आधी इमारत ज़ाया हो गई। ये वो लोग जिनके घर मिस कैरिज हुए सारे। ये सारे आबाद थे, 6 फ्लोर आबाद थे इसके अंदर, मतलब 3 फ्लोर थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे पीछे, 6 फ्लोर एक दो फैमिली। जी 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 जी। और किसी किस्म का अलहमदुलिल्लाह नुकसान जाने नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान माली नुकसान हुआ। एक नई बिल्डिंग थी बिल्कुल, इसके साथ तीन जो बिल्डिंग वो पुरानी थी, यहीं रहायश पज़ीर थे, और ये पूरी ये फैमिलियाँ इधर थी ऊपर, तकरीबन 8 फैमिलियाँ रह रही थी, और रात को उनको खाली करवाया, उनको बुला के दिखाया भी था, सब किया है ठीक है, और ये फैमिलियों को निकाला, जानी नुकसान हुआ, वैसे माली नुकसान बहुत हो गया, हम लोग बर्बाद हो गए, हम तो रोड पर आ गए, कारोबार भी गया, नीचे दुकान थी, कारोबार भी गया, घर भी गया। पर किस चीज़ की दुकान थी आपकी? हमारी एड्रेसर की दुकान थी, मेरी एड्रेसर की दुकान थी, और ऊपर फैमिली रह रही थी? ऊपर फैमिली रह रही थी, तकरीबन 12 अफराद 14 अफराद थे मेरे फैमिली के भाई, ऊपर दूसरी फैमिली है उनको भी निकाला, अपनी फैमिली भी निकाली है, रात को 4:30 बजे ताला लगा के फिर मैं गया हूँ घर पे। कितने अरसे से रिहायश पज़ीर था आप इस बिल्डिंग में? हम तकरीबन कम से कम 4 महीने तो हो ही गए थे भैया, ऊपर अभी काम चल रहा था भाई, जब इतनी बन रही है सबको नज़र आ रही थी, जज भी जाता था, SDM भी जाता था, सारे जाते थे, किसी को नज़र नहीं आया कितना ऊंचा, कैसे उन्होंने बनने दिया। जब एक दफा सील हुई है, सील होने के बाद कैसे खुल गई ये समझ नहीं आया, वो दायरे कहाँ गए जो अभी वीडियो बना रहे हैं या देख के जा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रही उस वक्त ये सब कहाँ थे। यानी 2 दफा सील होने के बावजूद ये बिल्डिंग दोबारा फिर खुली है, फिर काम स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर 2 छतें बनी है दोबारा के बाद से भाई, अब तक रोडों पे, अब तक अभी रोडों पे, बिल्कुल रोडों पे, ना हमारा कोई पूछने वाला है, ना कुछ करने वाला, ना कोई देखने वाला है, हम खुद है और अल्लाह है हमारे सामने, हम खुले आसमान के नीचे। अभी आप लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ कहीं भी नहीं गए, हम लोग सुबह से इसी में लगे हुए कि कुछ कोई हल निकले, इसका कोई रास्ता निकले, इसमें हमारी ज़िंदगी की जमा कुंजी सब इसी के अंदर इस टाइम पर सेव कर ले। अच्छा, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के साथ साथ और भी 4 घर गए हैं भाई, 4 घर एक इधर है, ये 5-6 घर जो इन्वेस्टर जिस ब्याह का मालिक है उसका नाम है आमिर बाबा, वो जो बिल्डर उसका नाम है डॉक्टर फवाद, उसके साथ जो ठेकेदार उसका नाम है आसिफ, ये तमाम लोग अभी मौजूद नहीं, सारे भागे हुए, कोई रास्ते में नहीं, कुछ भी नहीं है, और इनका मजीद काम चल रहा है इलाके के अंदर, दूसरी जगह और काम चल रहा है, 3 नंबर गली में आज रोड पर इनका मजीद काम चल रहा है, उस काम को भी रोका जाए, और इस इलाके में जितने इनलीगल काम चल रहे सबको रोका जाए। यही इमारतें ग्राउंड प्लस सिक्स सारी चीजें बना रहे हैं, और हालांकि इस एरिया में जो इजाजत है ग्राउंड प्लस 4 की है, ग्राउंड प्लस 3 की है, ग्राउंड प्लस 3 की है। जी बिल्कुल। और अब जैसी सूरत हाल एक और बिल्डिंग भी कोलैप्स हो सकती है मलबा हटने के बाद, यहाँ बिल्डर गलत है या वो इदारे जो इजाजत देते हैं चंद पैसों के एवज और कीमती जानों से खेलते हैं,
कौन करेगा कराची के इदारों को ठीक, यह ऐसी गरीब आवाम पिसती और मरती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज हमारा कराची को। अस्सलाम वालेकुम।